अब देख सकते हैं अभी सऊदी अरब से आपको हम प्रयास करते हैं समझाने के और बात करके हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ समझाएं कि यहाँ का इंजन में और वहाँ का इंजन में क्या फ़र्क है, क्या अगर नए लोग आते हैं तो क्या दिक्कत करना क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इंजन बनाने में। अभी देखिए अभी डीजल और मैकेनिक है बड़ी गाड़ी का, तो भाई से अभी जानने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कितना दिन लग सकता है सीखने में आपको अगर नए लोग आते हैं तो। तो भाई देखिए तो अभी यहाँ पर है तो आप डीजल मैकेनिक कि अगर डीजल मैकेनिक में आप आते हैं ठीक है, और यहाँ के इंजन है कैसे आप बनाएंगे, क्या उसमें कोई डिफरेंस है या सेम है, तो भाई से जानने की कोशिश करेंगे हम। भाई ये बताए उधर का जो मकीना है यानी इधर मकीना बोलते हैं अरबी में और इंजन बोलते हैं, और अपने इंजन में क्या फ़र्क है अगर जो नए लोग आते हैं मैकेनिक है जो डीजल मैकेनिक है तो क्या इधर बनाने में क्या कुछ दिक्कत होगी या कुछ दिन सीखना पड़ेगा, तालीम लेना पड़ेगा यानी सीखना पड़ेगा ठीक है, सीखना पड़ेगा। हाँ उधर के जो इंजन है और इधर के इंजन थोड़ा फर्क है, फर्क है गाड़ियों का भी मॉडल इंजन है ठीक है, उधर अपने उधर का सीधा है, उधर का सीधा है, इधर का पूरा भी मॉडल इंजन है, ये भी मॉडल इंजन है ठीक है, मॉडल इंजन है। तो यानी दस दिन या पंद्रह दिन एक महीना कुछ समझना पड़ेगा, अगर उधर का मिस्त्री रहेगा तो वो जल्दी पकड़ेगा ठीक है, दो तीन महीने चार महीने में यानी दिमाग के ऊपर है ठीक है। तो भाई बोल रहे हैं कि अगर उधर से जो भी आ रहे हैं मैकेनिक डीजल मैकेनिक तो इधर आएंगे तो आपके दिमाग के ऊपर है कि तीन महीना लग सकता है या दो महीना लग सकता है थोड़ा समझने में, और समझेंगे और हाँ उसके बाद समझने में आपको उनको दो महीना से तीन महीना आपके दिमाग के ऊपर है, आपके छः महीना भी लग सकता है और आपके माइंड के ऊपर है ठीक है, माइंड के ऊपर है कि आप कितना दिन में समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये डीजल मैकेनिक हैं आप, और इधर इंजन जो है आठ सिलेंडर रहता है, दस सिलेंडर रहता है इंजन, आठ सिलेंडर होता है, दस सिलेंडर होता है, छः सिलेंडर होता है, तीन सौ का टाइमिंग थोड़ा फर्क रहता है ठीक है, उसमें टाइम लगता है सीखने में, टाइम लगता है सीखने में। तो भाई अगर ये बताइए कि अगर नए लोग आते हैं तो यानी सैलरी यानी कितना से स्टार्ट हो जाता होगा, यानी 1500 रियाल यानी 1000 रियाल यानी कितना से मैंने स्टार्ट होता है, कितने पे आ रहा है वापिस वाला कितना बोल के भेज रहा है अब उसी को पता होगा ना। अब वापिस वाला कितना बोल रहा है उसको डिपेंड करता है कि कितना वो देगा, कौन सा कंपनी भेज रहा है वो कितना सैलरी बोला है वो तो उसके ऊपर है ना, वो ऑफिस के ऊपर है वो कितना भेजेगा वो। हाँ लेकिन उधर का इंजन वाले इधर का इंजन में फर्क है, फर्क इधर पूरा गाड़ियों ये सब जर्मन की गाड़ी है ठीक है, मर्सिडीज है लेकिन जर्मन की गाड़ियाँ हैं सारी, और जो है इंडिया से बहुत फर्क है, इधर गियर वाला गियर पूरा ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गियर है, ये सब सीखना पड़ेगा। उधर का अगर मिस्त्री आदमी इधर आता है तो मतलब थोड़ा जल्दी पकड़ेगा, फिर भी 6 महीना 7 महीना 8 महीना लग सकता लग सकता